दोस्तों, बॉलीवुड में तमाम ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने लव मैरिज की है। कुछ सालों से खुशहाल जीवन जी रहे हैं, तो वहीं कुछ का तलाक हो गया है। कई एक्ट्रेसेस ने बड़े अरमानों से अपने प्यार को मुकाम तक पहुंचाते हुए प्रेम विवाह किया था। इनमें से कई अभिनेत्रियों की लव मैरिज असफल रही। पहली शादी में मिले दर्द के बाद उन्होंने फिर दोबारा कभी शादी नहीं की और वे अब तक सिंगल हैं। तो आइए जानते हैं। करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर ने साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी बचाई थी। 2016 में दोनों का तलाक हो गया। करिश्मा कपूर ने आरोप लगाया था कि उनका पति उनके साथ शारीरिक और यौन शोषण करता है। पहली शादी में मिले दर्द और तलाक के बाद करिश्मा ने दोबारा शादी नहीं की। मनीषा कोइराला। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने साल 2010 में उद्योगपति सम्राट दहल से लव मैरिज की थी। 2012 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक पर मनीषा का कहना था कि उनका पति उन्हें समझता ही नहीं, अक्सर दोनों के बीच लड़ाइयाँ होती थी। तलाक के बाद मनीषा ने सिंगल रहना ही सही समझा। संगीता बिजलानी। अपने जमाने की चर्चित अभिनेत्री संगीता बिजलानी ने शादीशुदा क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से 1996 में शादी की थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें वो सुख नहीं मिला जिसके बारे में उन्होंने सोचा था। 4 साल बाद पति से तलाक लेने के बाद संगीता बिजलानी ने दोबारा कभी शादी नहीं की। चित्रांगदा सिंह। एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह ने गोल्फर ज्योति रंधावा से लव मैरिज की थी, लेकिन उनकी शादी भी सफल नहीं रही। एक्ट्रेस ने 2014 में पति से तलाक ले लिया। हालांकि उन दोनों के एक बच्चे भी हैं, फिर भी चित्रांगदा आज भी सिंगल है। पूजा भट्ट। फिल्म मेकर महेश भट्ट की बेटी एक्ट्रेस पूजा भट्ट ने मनीष मखीजा से प्रेम विवाह किया था। पूजा ने आरोप लगाया था कि उनका पति उनके साथ मारपीट करता था। इसके बाद उन्होंने मनीष से तलाक ले लिया और फिर दोबारा उन्होंने कभी शादी नहीं की। कोंकणा सेन शर्मा। कोंकणा सेन शर्मा ने साल 2010 में एक्टर रणवीर सौरी से शादी की थी। 5 साल बाद दोनों अलग हो गए। कोंकणा का कहना था कि शादीशुदा होते हुए भी रणवीर दूसरी महिला के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे। तलाक के बाद कोंकणा ने फिर कभी दोबारा शादी नहीं की और आज तक सिंगल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।